नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, कि पांच टिप्स देने वाला हूं आयरन सप्लीमेंट्स लेने वालों के लिए। जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको कुछ कौन सी पांच चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हमें यह समझना पड़ेगा कि आयरन जो है वह क्यों लिया जाता है। आयरन जो होता है उसमें से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वह हमारे शरीर के आरबीसी पे रहता है। जो ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये हीमोग्लोबिन रहा हुआ होता है। तो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए आयरन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो आयरन की मदद से हीमोग्लोबिन बनता है, और ये हीमोग्लोबिन जो है वह हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन जो होता है उसको हमारे शरीर में वहन करने का कार्य करता है। शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य इस ऑक्सीजन के द्वारा होता है। तो आयरन यहाँ पे महत्वपूर्ण घटक है। तो जिन लोगों में ये आयरन की कमी हो जाती है उन लोगों को ये आयरन के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है। और इस प्रकार से जो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आरबीसी की कमी हो गई है आयरन की कमी की वजह से, उन्हें एनीमिया कहते हैं। खुराक में आयरन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में ना लेने की वजह से जो एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी जो होती है, उसे कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। या फिर जो लेडीज होती है उनमें पीरियड्स की वजह से जो ब्लड लॉस होता रहता है उसकी वजह से भी उनको ज्यादा आयरन की मात्रा लेने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से पांच जो टिप्स है मैं आपको देने वाला हूं कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए आयरन सप्लीमेंट्स लेने के दौरान। मेरी इस चैनल पर सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ सके, इस प्रकार से मेडिकल से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, बीमारियों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, दवाइयों के बारे में और कई प्रकार की और जो हेल्थ से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वह प्रदान करता हूं, और वह भी आसान से आसान भाषा में, ताकि सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सके, ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। आगे बढ़ते पांच टिप्स की ओर। सबसे पहली टिप जो है वह है कि जो आयरन सप्लीमेंट्स के लिए जो टेबलेट्स ली जाती है वह खाना खाने के एक घंटे पहले लेने से या फिर खाना खाने के दो घंटे बाद लेने से ज्यादा मात्रा में आयरन जो होता है वह हमारे शरीर में आंत्रों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। यानी कि अगर हम खाना खाने के बाद अगर ये टेबलेट लेते हैं तो जो टेबलेट की जो मात्रा है उसमें आयरन की जो रही हुई मात्रा उसमें से कम मात्रा एब्जॉर्ब होती है खुराक की वजह से। इसलिए जब कभी हम खाली पेट यह टेबलेट लेते हैं खाना खाने के एक घंटे पहले या फिर खाना खाने के दो घंटे बाद, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वह जो आयरन जो है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है हमारे आंत्रों के द्वारा, और वह जो ज्यादा से ज्यादा जो आयरन है वह हमारे शरीर के काम आता है, और इस वजह से तेजी से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सकती है। तो यह हो गई टिप नंबर वन कि खाना खाने के एक घंटे पहले या खाना खाने के दो घंटे के बाद हमें आयरन सप्लीमेंट लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे टिप की। तो जब कभी आयरन सप्लीमेंट लेते हैं हम, उसे अगर एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जो है वह जो जिस खुराक में होता है उस खुराक के साथ अगर आयरन सप्लीमेंट लिया जाता है, तो उस आयरन सप्लीमेंट में जितनी भी मात्रा है आयरन की उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में आंत्रों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यानी कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करता है। हमारे जो आंत्रे हैं वह आयरन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और हमारे शरीर को इस प्रकार से आयरन की मात्रा जो है वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा हमारे शरीर को काम आती है, हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी वाले जो पदार्थ जो है, जैसे लींबू पानी है या और भी दूसरे जो सिट्रस फल्स होते हैं, ऑरेंज जूस है, उनके साथ अगर आयरन टेबलेट ली जाती है, आयरन सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे आंत्रों के द्वारा। तो यह हो गई टिप नंबर दो। अब बात करते हैं टिप नंबर तीन की। तो जो पदार्थ में टैनिन नाम का एक द्रव्य रहा हुआ होता है वह पदार्थ अगर हम आयरन सप्लीमेंट के साथ साथ लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो टैनिन किन पदार्थों में होता है? चाय और जो कॉफी होती है उनमें टैनिन का प्रमाण काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से चाय और कॉफी के साथ अगर हम आयरन टैबलेट्स लेते हैं तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है हमारे आंत्रों के द्वारा वह कम होता है, और वह आयरन हमें कम मात्रा में उपयोगी होता है। तो इस वजह से चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए जब कभी आयरन सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, ताकि आयरन की अच्छी खासी मात्रा हम एब्जॉर्ब कर सके और वह आयरन से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ सके। तो यह हो गया पॉइंट नंबर तीन। अब आगे बढ़ते हुए टिप नंबर फोर की हम बात करेंगे। तो कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें फाइटेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, उन वजह से यह फाइटेट जो होता है वह आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करवा देता है। तो जब कभी आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं तो ऐसे वेजिटेबल्स हमें अवॉइड करने हैं जिनमें फाइटेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो बादाम जो होती है उनके जो छिलके होते हैं, अखरोट जो है उनके ऊपर का जो लेयर होता है, इनमें फाइटेट की मात्रा रही हुई होती है। उन्हीं के अलावा कुछ जो लेग्यूम्स होती है, फलियां होती है, जिनमें भी फाइटेट की मात्रा रही हुई होती है। जो हमारे जो धान जो होते हैं उनके जो छिलके होते हैं उनमें भी फाइटेट की मात्रा रही हुई होती है। तो जब कभी आयरन सप्लीमेंट्स हम ले रहे होते हैं तो इन्हें अवॉइड करना है, उसके साथ साथ नहीं लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको टिप नंबर वन में बताया कि आयरन सप्लीमेंट जो है वह खाली पेट लेने चाहिए, यानी कि खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के दो घंटे बाद अगर आप लेते हो तो यह प्रश्न नहीं आता है। अब बात करेंगे टिप नंबर फाइव की। तो जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उन्हें कैल्शियम और आयरन की टेबलेट्स दी जाती है सप्लीमेंट के तौर पे, तो इस वजह से यह जो कैल्शियम जो है वह
आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करवा देता है। तो जब कभी प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन और जो कैल्शियम की जो टैबलेट्स दी जाती है तो उन्हें यह ध्यान रखना है कि कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स दोनों साथ साथ नहीं लेनी है। कभी भी कैल्शियम और आयरन की टैबलेट अलग अलग समय पे लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो आयरन की टैबलेट अगर आप दिन में ले रही हो तो फिर कैल्शियम की टैबलेट शाम को ली जा सकती है, और इसी प्रकार से अगर कैल्शियम की टैबलेट दिन में ले रहे हो तो आयरन की टैबलेट जो है उसे शाम को ली जा सकती है। तो इस प्रकार से आयरन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। तो यह एनीमिया जो होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के रूप में जो आयरन सप्लीमेंट या फिर आयरन रिच फूड्स जो लिए जाते हैं उन्हें लेते वक्त ये 5 पॉइंट्स का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।